हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रहा हूँ। एज यूजुअल, जैसे मैं बता रहा हूँ कि शौक से बनाता हूँ वीडियो में, और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ जब मुझे कुछ लगता है कि हाँ बनाना चाहिए तो ही बनाता हूँ। बेवजह वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है। खैर, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करते हैं। आपने उसमें थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम फिबोनाची स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं, या फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिबोनाची होता क्या है, क्या है? वैसे तो ये नंबर है, आपको पता होगा, जो मैथ्स वाले हैं, गणित वाले हैं, उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा। या आप इसको नेट में सर्च कर लेना कि फिबोनाची होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, आपको पता है, जीरो से हम शुरू करते हैं और जीरो के बाद वन आता है, तो जीरो और प्लस वन को प्लस करेंगे तो वन आएगा, तो नेक्स्ट नंबर वन आएगा, तो जीरो वन वन, फिर वन प्लस वन प्रीवियस नंबर को जोड़ेंगे तो टू आएगा। ठीक है, फिर टू प्लस वन प्रीवियस नंबर को जोड़े टू, और प्रीवियस वन तो थ्री आया, फिर थ्री और टू फाइव आया। इस तरीके से वो नंबर जाते जाता है। तो इसके इसका जो भी नंबर का महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो आप डिटेल देख सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिसमें इसको हर एक चीज़ पे अप्लाई करके देखा गया है, नेचर से, ब्रह्मांड से, हर एक चीज़ से, ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बॉडी से, फूलों पे, एवरीथिंग, मतलब यूनिवर्स पे, सब सब चीज़ पे। तो वो डिटेल आप कभी और किसी वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपन उस पर नहीं जाएंगे, फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे दिखता है, क्यों क्या है, बस ये है कि इम्पोर्टेंस है। तो जब ये यूनिवर्स पे अप्लाई हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडर्स ने सोचा कि उसको हम ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल टूल के रूप में, तो ये टूल है एक तरीके का टेक्निकल टूल। तो उस पर हम डायरेक्ट चार्ट पे आते हैं। जीरोधा का काई टाइप है, यूज़ करता हूँ, आपको पता है। ओके, सो तो आपको क्या करना है, देखिए, ये मैंने काई टैब खोल के रखा हुआ है, तो आपको जाना कहाँ है इसको मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये बड़े टाइम फ्रेम में मैंने खोल लिया, दिख रहा होगा आई होप। ये डेली टाइम फ्रेम है, आप इसको चाहो तो 15 मिनट पे भी कर सकते हो, आधे घंटे पे भी कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो। यदि आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट में करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 1 आवर या 1 डे पे करेंगे, और भी आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि करते कैसे हैं। तो ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज करके भी देख लेंगे, और अपन बिना टाइम फ्रेम चेंज के भी अपन देख लेंगे किस तरीके से काम करता है। ओके, सो ये पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, 1 डे का लगा लेते हैं। ठीक, तो देखिए 1 डे का लगा ली। अब ये वाला टूल है, ड्रा है ना, टूल है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको ऑल वाले में जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, तो करते कैसे हैं इसको हम देखते हैं। जैसे कहीं पे भी आपको 2 पॉइंट खोजना रहता है, 2 पॉइंट का मतलब ये है कि मार्केट यदि चढ़ रही है, गिर रही है, गिर रही है, सॉरी बढ़ रही है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, या मार्केट नीचे गिर रही है तो कर सकते हैं, आप अपसाइड डाउनसाइड दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अप्लाई करें। देखिए, कोई भी चीज़ 100% नहीं होता ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में, तो आपको बस आपको प्रोजेक्शन देखना है, आपको उसका हेल्प लेकर 100% तो करना नहीं, आपको रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग से ही आप जीत सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी टेक्निकल टूल ले लीजिए, वो आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, बाकी करना आपको ही है। पिवोट पॉइंट होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट टूल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची तो आपने समझ लिया, रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है, कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, जैसे हमारा जो स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं ये यहाँ पे करके देखता हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से देखिए, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये 2022 अप्रैल जुलाई ऐसा दिखा रहा है, तो यहाँ से जब जाता है मार्केट का प्राइस ऊपर गया तो रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, तो ये पिछले स्विंग को, ये हाई जो था उसको इसने पार कर लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर नीचे आया, इस तरीके से यहाँ तक आया। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो ये मैं बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये गया, ठीक है, ये गया,
ये रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, तो ये पिछला टॉप को क्रॉस कर गया, फिर रिट्रेस किया, तो ये डाउन टू डाउन आते रहा, ये लगभग यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, इस तरीके से होता है। तो हम क्या करते हैं, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड है, जब रिट्रेस करता है तो कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, हम इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब आपको एक अंदाजा लगाना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग तो रखना ही है, नो डाउट, है ना। आपको एक अंदाजा लगाना है अपने हिसाब से कि भाई हम कहाँ तक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं और कहाँ पे हम बाइंग के लिए ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अप ट्रेंड में है, जैसे मान लो ये जुलाई, ये यहाँ से जब ये अप ट्रेंड पकड़ा, मेरा कर्सर देखिए अप ट्रेंड पकड़ा, तो ये ऊपर अच्छा खासा यहाँ तक गया। ठीक है, ये देखिए पिच में ये रेजिस्टेंस भी था, ये वाला लेवल लगभग आसपास वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करेगा, वहाँ से रिट्रेस किया। तो जब रिट्रेस किया तो आपको कैसे पता चला कि कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है? ठीक है, फिर यदि ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, नीचे आता है तो कहाँ तक गिर सकता है। तो जैसे आपने यहाँ से मान लो ये 15,100 के आसपास का है, 15,200 मान लेते हैं, ठीक है, 15,200 से कहाँ तक गया, ये 18,000 के आसपास गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेली टाइम फ्रेम की बात है ये। तो इस पे जब रिट्रेसमेंट होगा तो कहाँ तक हो सकता है, और जाएगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, फेल भी खा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ये भी आपको पता है। तो कहाँ तक हम वेट कर सकते हैं, तो ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से निकाल सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये, हम किसी का इसमें करके देखते हैं। ठीक है, जैसे अपन क्या कर लेते हैं, कोई भी कहीं पे भी पकड़ लेते हैं, जैसे ये ठीक ठाक लेवल दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए मार्केट ये ऊपर गया, अभी मैं बात कर रहा हूँ कौन से लेवल की, ये वाले लेवल की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से जब मार्केट 2022 1 दिसंबर 2022 से जब गिरते गिरते मार्केट कहाँ तक आया, समथिंग ये लास्ट ये वाला गिरा था, ये कौन सा डेट है ये देखिएगा, ये 20 मार्च 2023 तक, मतलब दिसंबर से मार्च तक ये मार्केट गिरा। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में था एक तरीके से, यहाँ से यहाँ तक 3-4 महीने, उसके बाद ये अप ट्रेंड में आना शुरू किया, और अभी भी अप ट्रेंड में है, अभी तो काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। ठीक है, बुलिश जोन में है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से जब ऊपर गया, ठीक है, तो देखो ये वाला स्विंग को ऊपर को ब्रेक कर दिया, तो यदि हम इसको इस मूव को पकड़ते हैं, ये वाला मूव पकड़ते हैं यहाँ से, ठीक है, तो अब हम इस पर हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं या करते हैं, इसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट करने का। ठीक है, तो अभी मैं ये टूल पे गया, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ऑल में आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ, ये मैंने पकड़ा, और कैसे लगाऊंगा, देखिए ये लो है, लो पॉइंट पकड़ूंगा मैं, ऊपर की बात कर रहा हूँ, और हाई पॉइंट पकड़ूंगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं ये डाउन ट्रेंड में था, ये वाला जब ब्रेकआउट हुआ तो ये मान के चले कि आपका ये अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया, तो फिर रिट्रेस करेगा पक्का है, तो रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ये लो पॉइंट है ये मैंने पकड़ लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा देखिएगा, और ये मान के चलता हूँ कि ये वाला जो था, ये देखो 0% जहाँ पे जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला हाई, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट है, ठीक, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, आप अब देखिएगा कि यहाँ से मैंने शुरू किया, ये जो लो पॉइंट था वहाँ से, और प्रोजेक्ट करते करते कहाँ ले गया, ये मान के चलता हूँ कि ये मेरा लास्ट ये हाई बनाया था, ये वाला पॉइंट, ये डेट देखिएगा नीचे, ठीक है, 15 मार्च को, 15 मार्च को है ना, ये शुरू था 21 मार्च के आसपास का था, ये जब लो बनाया था 20 मार्च के आसपास, और ये 15 मार्च को इसने हाई बनाया, फिर उसके बाद रिट्रेस तो यहाँ भी किया था, ये वाले जोन पे भी किया था, लेकिन ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ नहीं पाया था, ये वाला जो रैली किया इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तब आपको अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया। अब आप वेट करना है कि आपको तो जाना अप ट्रेंड में ही है, बाइंग ही करना है, तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। तो जब ये टॉप बना के एक दो कैंडल नीचे आया, मतलब आपको पता कि रिट्रेस हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसी रिट्रेसमेंट पे बाई करना है। ऊपर चला गया था मार्केट, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, डीप ऑन बाई ऑन डिप्स बोलते हैं ना, तो यहीं पे आपको वेट करना है। तो ये लेवल हमको कहाँ से मिल जाता है, ये हमको मिल जाता है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और मिलेंगी, जैसे एडिट सेटिंग है, इसमें आप सेटिंग में जाके ये देखिए रिट्रेसमेंट का है, यहाँ पे 23.6 वाला नहीं था, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, अब देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा,
ये हम वेट किए, ये ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, ये वाला तो मैं इसको चालू करता हूँ, यहाँ से ऊपर गया ये नीचे आया, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये वाला हमारा अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया। तो यहाँ जब हाई मार के एक दो दिन ही नीचे रेड कैंडल बनाया, तब हमको रिट्रेसमेंट का इंतजार करना था। तो अब हम रिट्रेसमेंट कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए जो रेड है यहाँ पे 0% है, मैंने कहाँ बनाया, ये नीचे बॉटम था और एक टॉप बना चुका था वो 0%, तो 100% से लेकर 0% ऊपर तक गया जब मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं नीचे देखिए 23%, 38.2%, 50%, 61.8%, ये रिट्रेसमेंट के परसेंटेज लेवल है, तो इस पे आपको आने का वेट करना है। अब ये मान के चले कि 61.8% से भी नीचे आ जाता है स्टॉक का प्राइस गिरते हुए, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका ट्रेंड जा रहा था रिवर्स हो चुका है, यदि आप ऊपर जा रहा है ट्रेंड तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इन जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अपना प्रीवियस हाई को तोड़ेगा और फिर आगे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस लेवल के, ये तो 15 मार्च का जो था वहाँ से इसने नीचे गिरा। अब देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, मैं कर्सर को फिर से करता हूँ, देखिए कहाँ पे ये वाले जोन पे इसने सपोर्ट लिया, वो एग्जैक्ट क्या है, 23.6%, ये देखिए आप 23.6% एकदम बहुत ही कॉमन है, इतना तो होना ही चाहिए, ये वेरी वेरी हेल्दी रिट्रेसमेंट है। 23.6% पे ही घूम गए, फर्स्ट रिट्रेसमेंट है। अगर ये 38.2 पे आता तो भी बहुत बढ़िया था, 50% आता तो भी अच्छी बात है, और 50 से 61 आ गया तो एक ठीक ठाक करेक्शन माना जाएगा उसको, और वहां से तो घूम ही जाना चाहिए। अगर उसके भी नीचे आता है तो हमारा जो ट्रेंड चल रहा था वो रिवर्स हो गया है, अप वर्ड में था वो डाउनवर्ड की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या वेट किया, रिट्रेसमेंट हमको पता था कि ये प्राइस मान के चलते हैं कि 18,500 के आसपास था, अब हमारा 23.6% वाला किस लेवल पे था, 18,100 के आसपास, मतलब हम 400 पॉइंट के, 18,500 से 18,100 हमने 400 पॉइंट का रिट्रेसमेंट का वेट किया, ठीक ठाक वेट किया। और उसके बाद यहाँ से जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे इस सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनाया, देखो 23.6 को इसने काटा नहीं, नीचे नहीं आया ना, वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो जैसे ग्रीन कैंडल बनाया आप यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ठीक है, कहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले कैंडल पे, ये हाँ ये वाले कैंडल पे, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये ऊपर गया था, ठीक है, ये नीचे आया, ये जो एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया, ठीक है, इसके क्लोज पे, इसका क्लोज देख लेते हैं, इसका क्लोज देख लेते हैं क्या दिखा रहा है, इसके क्लोज पे आपने एंट्री करना था, इसके क्लोज है 18,203, मतलब 18,200 पे आप एंट्री लेते और क्या करते, यहाँ पे आपका फर्स्ट बाइंग था, जैसे यहाँ पे ये वाला ग्रीन कैंडल देखिए इस पे आप ऐड कर सकते थे। ऐड कब करेंगे, जब ये इसके ऊपर भी चला गया, इसको प्रीवियस हाई को तोड़ दिया और इसका क्लोज था 18,500, ठीक है, तो 18,200 पे आपने एक बार किया, फिर आपने पिरामिडिंग किया 18,500 पे, और टारगेट का कहाँ पे इंतजार करेंगे, अगला जो इसके बाद तोड़ेगा तो ऊपर जा रहा है -38.2, उसके बाद आ रहा है -61.8, तो वहाँ पे आपका टारगेट, पहला टारगेट ये बनता है, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे निकल सकते हैं। अब उसके बाद ट्रेलिंग करते 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 आप क्या कर सकते हैं, आगे 61.8 पे भी आप वेट कर सकते हैं। तो आपने एक लिया था 18,200 पे, एक लिया 18,500 पे, ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे आपने लिया तो उसके नीचे जो 38.2 है वो आपका स्टॉप लॉस रहता है 17,850 के आसपास, ठीक है, 17,850, उसके बाद चूंकि डेली टाइम फ्रेम है तो आपका SL बड़ा रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पे आपने ऐड किया, ठीक है, तो एवरेज बाइंग प्राइस बीच में कहीं पे आ जाएगी। उसके बाद पहला टारगेट आपका 38.2, मतलब ये है आपका 19,100 के आसपास, ठीक है, तो 18,500 से 19,100 600 पॉइंट का रैली, उसके बाद 19,500, मतलब आपका 1,000 पॉइंट का रैली का आपने वेट कर सकते थे। इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियरली बहुत बहुत बढ़िया यहाँ पे था एग्जाम्पल, यहाँ पे इसने किया, दो बार आपने किया, फिर यहाँ पे आप 18,1900 पे चाहे तो हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और या तो फिर ट्रेल कर सकते थे कि आप 18,500 पे, फिर ये स्विंग लो बनाए यहाँ पे तो ये 18,650 के आसपास, इस तरीके से ट्रेल करते हुए इन लेवल्स पे आप टारगेट के लिए वेट कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब हम एक आध और बनाते हैं, ठीक है, ओके फाइन। तो अभी हम एक आध 15 मिनट पे ये निफ्टी 50 का ही देख रहे हैं हम लोग, तो
कोई और हम चार्ट मतलब कहीं पर जाके देखते हैं, अपन क्या करते हैं एक आध डाउन ट्रेंड को पकड़ लेते हैं, ये हम डाउन ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। अब हम करेंगे इंट्रा डे के हिसाब से। वैसे तो इंट्रा डे में मुझे उतना समझ में आता नहीं है, मतलब मैं प्रिफर नहीं करते इंट्रा डे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। ये वाला यहाँ से हम देखते हैं ये नीचे आया, इसको तोड़ के आ गया यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे हम ड्रा करना कोशिश करते हैं। कौन से डे पे है ये, 17 तारीख, 17 अक्टूबर के आसपास में ये मैं गया, देख लेते हैं हम डायरेक्टली, मैं करके देखा भी नहीं, ये भी कर लेते हैं ठीक है। तो ये हमारा अप पॉइंट था, यानी कि ये हमारा टॉप था, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे जो हमारा था वो हमारा लोअर पॉइंट था। हालांकि इंटर डे में हम उतना 15 मिनट में तो मुश्किल है, क्योंकि आपको टॉप बॉटम खोजने के लिए पूरा एक दिन लग गया, तो आप 15 मिनट के चार्ट में भी आगे के लिए आप देख सकते हैं ठीक है। ओके है ठीक है, तो सॉरी ये डबल हो गया ठीक। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये 15 मिनट के चार्ट में देखिए, ये यहाँ से हमने ऊपर पकड़ा था, ये जीरो नीचे हो गया। अब यहाँ पे एक था, तो यहाँ पे जब बॉटम बना तो 23.6, ये देखिए अगर हम नीचे के लिए बात कर रहे हैं तो ऊपर बाउंस बैक के तो कहाँ पे के, ये देखिए यहाँ पे 23.6 पे है ठीक है, और उसको तोड़ा तो ये नीचे डायरेक्टली देखिए आपका 38.2 और 61.8 ये टारगेट आपको आ गया, मिल गया ठीक है। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं कीजिए, बड़ा सिंपल है। वैसे मुझे डेली टाइम फ्रेम में इसको ज़्यादा समझ में आता है, फिर भी हम इसको चलो 5 मिनट में करके देख लेते हैं और किसी दिन और देखते हैं ठीक है। डाउन ट्रेंड में ही देखते हैं अपन ठीक। ये किस में देख लेते हैं अपन, ये 12 12, ये वाला दिख रहा है हमको, हाँ वेरी गुड, ये वाला दिख रहा है। ये एक टॉप बनाया था, एक बॉटम बनाया था ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, ये टॉप गया यहाँ पे ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि ये हमारा बॉटम बना लिया। ये कितने बजे के आसपास, जो भी टाइम होगा फिर हम इसको देखते हैं। तो ये दैट्स फाइन, ये यहाँ तक ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया ठीक है। मतलब ये टाइम, यहाँ पे हम टाइम देखते हैं, ये मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, एक टॉप बनाया यहाँ पे करीब करीब 9:30 के आसपास, फिर ये बॉटम बना दिया 10:15 के आसपास ठीक है। ये हमने एक टॉप पकड़ लिया, एक बॉटम पकड़ लिया। अब हम रिट्रेसमेंट का, ये हमको पता चल गया कि देखिए जब बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाए, हम इंट्राडे की बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमको पता चल गया कि भैया यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में आने वाला है, और अब हमने प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर और नीचे। अब हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे तो आपको देखो लेवल जो है यहाँ पे दिख रहा होगा 100% ऊपर जब हम नीचे करें तो, और नीचे 0%। तो रिट्रेसमेंट का देखिए लेवल पहला आएगा 23.6, फिर 38.2, फिर 50, फिर 61। तो जैसे मैंने बताया था 61 और 50 जो है फाइनल रहता है, यदि इसके भी ऊपर निकल गया ठीक है तब हम मानेंगे कि ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली अच्छा खासा फॉल हुआ, फिर जब ग्रीन कैंडल बड़ा बड़ा बनाया तो ये देखिए यहाँ पे ये गया है एग्जैक्ट 61.8 पे गया ठीक है। देखिए आपको 100% नहीं मिलेगा भाई, आप 100% के चक्कर में जाएंगे ना तो नहीं बनने वाला। देखिए आपको लगा होगा क्या, देखो 68, मैं ये बता देता हूँ आपको डाउट कहाँ पे होता है, 68.1 के ऊपर क्लोज दे दिया, ये देखिए ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये वाला जो हमारा जो ब्रेक है यहाँ से जो फाइनल डाउन हुआ था उसको ब्रेक नहीं किया। तो आप वैसे भी तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं, ये आपका फेल कब होता इस चार्ट के हिसाब से, जब ये दिन के हाई के ऊपर निकल जाता तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता, दूसरा 61.8% के ऊपर निकल जाएगा तो भी रिवर्सल के चांसेस है। तो ये वाला क्लोज तो दिया लेकिन इसके ऊपर और कन्फर्मेशन नहीं आया, ये हमारा रेड आ गया, या आप ये बोल सकते हैं कि इस पे ये वाले 11:11:15 में एक रेड कैंडल इसके नीचे आ गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया, आप यहाँ पे फिर से ट्रेड देंगे ये रिट्रेसमेंट पे ठीक है। तो ये लगभग है 21,000 के आसपास का है ना, 21,008 ठीक ओके है। अब यहाँ से ये पहला टारगेट आया यहाँ पे आपने लिया, तो ये वाला अगला 38.2 वाला ठीक है, फिर से रिट्रेस किया लेकिन वो हमारा लेवल था रेजिस्टेंस का, वहां से गिरा, फिर जब ये आया तो आप देखिए स्मूथ गिरा है उस 12 तारीख को, वहां से जब आया तो ये रिट्रेस तो होगा ही, उसको तोड़ के अगला लेवल पे भी आएगा। तो ये जब गिरा तो ये हमारा 38.2 और 61.8, ये हमारा दो टारगेट तो रहता ही है जब नीचे आता है तो ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से इसने दोनों टारगेट दिया, तो आपका एंट्री बना था 21,000 पे और आपका ये जो टारगेट बनना चाहिए 20,936 के आसपास का आपका दोनों टारगेट मिल गया, आप इसको ट्रेल करते हुए ला सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि काफी अच्छा काम करता है, इंट्राडे पे भी काम करता है, स्टॉक्स पे भी काम करता है, किसी स्टॉक्स में देख लेते हैं, ठीक। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होता है लेकिन आपको सीखना है तो मजा आएगा, ठीक है। किसी भी अपन जैसे BSE पे देख लेते हैं ना, ये BSE तो काफी लंबा चल रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं, BSE पे देख लेते हैं कुछ मिला है क्या। तो इसमें हम वन डे पे देखेंगे तो कुछ है क्या, अपन वन डे पे ना करके 1 आवर पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको कुछ लेवल फाइंड आउट करने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारा कहाँ से ले, ये इसी जगह पे ले लेते हैं, ठीक, ओके। हाँ ये आप लाइव चार्ट पे भी मतलब कल अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये 1 आवर मैं हर एक टाइम फ्रेम में चेंज करके दिखा रहा हूँ और आपको स्टॉक्स में भी दिखा रहा हूँ, तो अभी BSE काफ़ी फोकस में है सभी के। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके दैट्स फाइन। ये मैं इसका 1 आवर टाइम फ्रेम में कर देता हूँ, ठीक। और अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कौन से लेवल की, उसको देख लेते हैं, ये वाला लेवल। तो देखिए ये अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ एक लो मारा और ये एक हाई मारा, अभी हम रिट्रेसमेंट वाली जगह पे हैं इसमें देखा जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि इसमें हम और आने वाले दिनों में देख भी लेंगे कि ये वाकई में काम करे कि नहीं करे, 100% तो नहीं करेगा लेकिन हम प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं, रिस्क रिवार्ड अपने हिसाब से रख के। तो ये हम एक लो बनाते हैं यहाँ पे, ये चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और यहाँ से देखिए आपका जो 0% वाला दोनों लेवल जो है ना वो कहाँ पे मिलेगा, ऊपर 0% में मिलेगा, ध्यान से रखिएगा ना। तो ये और ऊपर ले जाते हैं, ये और ऊपर जाओ, ये लगभग यहाँ पे 25,94 95 जो भी है, ये इसका हाई मारा था थोड़ा सा ऊपर, ओके परफेक्ट 25,98, चलो ठीक है 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे चलेगा, वो परफेक्ट ड्रा हो, थोड़ा सा आपको ड्रा करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है हल्का फुल्का, बाकी आपको लेवल को बस ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एग्जैक्ट हो जाए तो बढ़िया हो, ओके। और ये परफेक्ट हो जाए, ओके परफेक्ट, ये थोड़ा चला लेंगे आप, है ना, ओके 38.2, ठीक। और यहाँ पे 38 है, 50 है, 61 है, यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लेवल है 38.2, 50, 61.8 है। आप चाहें तो यहाँ पे 23 वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे कहाँ पे करेंगे, एडिट सेटिंग में जाते हैं और इसके लेवल में हम 23.6 जनरली रहता नहीं है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है 23.6 भी कर दिया। तो देखिए आवरली टाइम फ्रेम में है, तो अब हमारा ये यहाँ पे देखिएगा, ये वाला दिन हमने लो बनाया 24 नवंबर को 9:15 के आसपास लो बनाया, और ये लो कितने का था हम यहाँ पे देख लेते हैं, लगभग ये लो था 20/71 2071 का, और उसके बाद इस दिन इसने हाई बनाया 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, ये था 24 नवंबर और 4 दिसंबर को इसने हाई बनाया है 25.95 2595, ठीक है, ये ठीक ठाक रैली किया। तो ये यहाँ से जब घुमा 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 ये ठीक ठाक टॉप बना दिया, इसके बाद रिट्रेसमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है, ये अभी रिट्रेसमेंट के दौर में है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी एंट्री बनता है, यदि हम करते हैं तो वक्त हम फेल भी हूँ अलग बात है, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग व्यू बना सकते हैं, लेकिन हम अभी हम ओवरली पे बात करें तो देखिए यहाँ से जब रिट्रेसमेंट हुआ तो सबसे पहले तो 23.6 जो इसमें नहीं था मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, इसमें 23.6 पे सपोर्ट लेना चाहिए, तो हम इस लेवल पे ने इसकी बात कर रहे थे, तो जब यहाँ पे आए तो डायरेक्ट इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, आप वेट करते यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल बनने का, इसने ब्रेक कर दिया, तो एक सपोर्ट तो यहाँ पे जस्ट 23.6 के आसपास लेने की कोशिश किया, नहीं हुआ। अगले दिन ये नीचे अगला ओवर वाला कैंडल देखिए नीचे, ये कौन सा वाला था इसको हम देख लेते हैं, ये उससे पहले का, हाँ ये 9:15 का ही कैंडल है 6 तारीख का, मतलब नीचे खोला उस पर जस्ट इसने सपोर्ट लिया एग्जैक्ट 38.2 वाले लेवल पे, जो कि हमारे लेवल बनता है
2395 का, ठीक है, 2395 के आसपास का। तो इसने जस्ट यहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, और लेते ही सपोर्ट लेते ही देखिए यहाँ पे 2395 है ऑलमोस्ट 24, ठीक है, और यहाँ से एक ही घंटे में कहाँ निकल गया, ये 2500 के आसपास निकल गया, ठीक है। तो कितना बड़ा आपका सपोर्ट लेते ही बूम, ठीक है। तो एक तो ये बनता है, यदि आपने यहाँ पे नहीं लिया यहाँ पे लिया, तो तुरंत एक घंटे में आपको एक टारगेट, ठीक ठाक टारगेट तो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, ये वाले हाई के टूटने का वेट करना है, ठीक है ना भाई। आपको तो यहाँ पता नहीं कि टूटेगा नहीं टूटेगा। फिर यहाँ पे इसने काफी कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आया तो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, ये काफी बड़ा फॉल हो गया। तो जब ये फॉल हुआ तो 50% को यहाँ पे हम हटा देते हैं, 50% को भी इसने क्रॉस कर दिया, मतलब आप 50% और 61.8% का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर एक बाउंस बैक हुआ, फिर कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे ये स्टक हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है, मतलब 38 और 61.8 पे। मतलब अभी आपको क्या करना है कि ये जो 61.8 वाला एरिया है, मतलब इसका लेवल मैं बताता हूँ 2275, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2275 इसका बेस्ट जो है सपोर्ट है, 2275 जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करते नीचे आता है तो बड़ी आसानी से इसमें बड़े मूव डाउन साइड अपसाइड काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो इमिडिएटली हमको ये 2275 तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में यदि इसको डायरेक्टली नहीं तोड़ता है, या तोड़ता है और आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, कोई ग्रीन कैंडल मिल जाता है आवरली में, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली डेफिनेटली 100% आपको बाई करना है, ठीक है। चूंकि ये 61.8% है, इसके नीचे यदि ये आ गया तो फिर तो ये 100% को टच करेगा, फिर हमारा ट्रेंड रिवर्सल वाला संकेत आ जाएगा, तो फिर हम ऐसे लेके बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे, कुछ छोटा पार्ट प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्टक हुआ है तो आप वेट कर सकते हैं। तो चाहें तो अगला जो है, क्योंकि आवरली है तो हम थोड़ा एक दिन दो दिन चार दिन का व्यू भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 61.8 का वेट करें, देखें मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, या 38.2 के ऊपर निकल गया 1 आवर वाला कैंडल जो है, मतलब ये वाले कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया फिर से, ठीक है, 2400 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो आप बाई कर सकते हैं, या आपको 2275 पे सपोर्ट मिले और वहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, वहाँ पे आप डेफिनेटली आपको 100% बाई करना है, यदि आप इसमें बाई का सोच रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड अप ट्रेंड में, इसलिए आप इसमें सेल का ना सोचें, फिलहाल तो नहीं सोचे जब तक इसका ट्रेंड रिवर्सल का संकेत ना मिले। तो यहाँ पे आप बाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बाई कर लेंगे, ठीक है। ये अगर वापस आना हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाएगा, ये इस लेवल को 2-3 दिन में ये ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे चाहे तो आप और ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद टारगेट जो रखेंगे आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो आपका रहेगा 38.2, मतलब ऑलमोस्ट 2800 का, और उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2900 का। तो ये दो टारगेट के लिए, यदि इसको अपसाइड ब्रेक करता है तो 2800 और 2900 का टारगेट हमको आने वाले एक आध सप्ताह के आसपास में हमको मिल सकता है, यदि इसको अपसाइड आना होगा तो, ठीक है। तो ये BSE पे बिल्कुल देखिए कि बिल्कुल सपोर्ट पे है, यहाँ पे आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैंडल कैसा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो यदि अच्छा लगता है आप तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ा लंबा होता है लेकिन मैं कंटेंट पे बिलीव करता हूँ कि भाई मुझे दुनिया भर का ये कोर्स वो कोर्स का कोई मतलब नहीं, मैं उतना बड़ा यूट्यूब चैनल मेरा है भी नहीं, बट मैं कंटेंट पे बिलीव करता हूँ। तो ये आप देखिए या वॉच कीजिए, ठीक है, या एक आध और देख लेते हैं, चलो ये CDSL देख लेते हैं, CDSL में किसी टाइम फ्रेम में देख लेते हैं ये, ठीक है, ओके। ये आवरली टाइम फ्रेम को इसमें हम बदल देते हैं, चलो डेली में कर देते हैं, या चलो वीकली नहीं देखें, वीकली देख लें क्या, देख लेते हैं वीकली, तो काफ़ी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसमें हमको प्रोजेक्शन बनाना दिक्कत तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये बॉटम और ये टॉप यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिलहाल इस हिसाब से मोमेंटम है तो हम डेली में देख लेते हैं, हाँ ठीक है। ये छोटा ट्रेंड यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन इस ट्रेंड को ये ब्रेक कर चुका है, तो अभी हम यहाँ से लेते हैं, एक फटाक से एक रिट्रेसमेंट करते हैं। ये रिट्रेसमेंट किया डेली टाइम फ्रेम में, ये हमारा लेटेस्ट था, और यहाँ से एक हाई बनाया है ऑलमोस्ट, और थोड़ा नीचे, ओके, ये ऑलमोस्ट मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे 23 पॉइंट आप समझ गए होंगे कहाँ पे क्या है। वैसे चलो ड्रा कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट इसमें आता नहीं है, आ नहीं रहा है, यहाँ पे मैंने 23.6 का, ओके ठीक है,
ठीक है, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो ये जब यहाँ से हम लेते हैं, ये हाई रहता तो हम इस रिट्रेसमेंट की भी बात करते हैं, लेकिन इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक करके ऊपर कर चुका है, तो उसके पहले रिट्रेसमेंट ये लो था और अभी के हिसाब से हमारा ये हाई बनाया, तो ये 0% 100%। ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट कर रहा है अभी के हिसाब से देखना, तो अगला प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा, 23.6 पे रुका क्या ये? बिल्कुल नहीं रुका है, 38.2 ये हाई बनने के बाद में, ये हाई बना है, पहली बार रिट्रेसमेंट करा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वैसे तो ये एक अप ट्रेंड में आया था लेकिन इमीडिएट नीचे आ गया, तो अभी 38.2 मतलब हमारा लेवल क्या बोलता है, 38.2 का डेली टाइम फ्रेम में 1870, ठीक है, 50% में ऑलमोस्ट 1825 के आसपास, ठीक है, 1830 के आसपास, और 61 जो हमारा गोल्डन रहेगा 61.8, ये 1750 मतलब 1800 राउंड फिगर में, 1830 और 1870, ये तीन जो है सपोर्ट है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। और यहाँ पे आप चूंकि अपट्रेंड में डेफिनेटली बाई का एक बार रिस्क तो ले ही सकते हैं, ठीक है, मतलब आप भले ग्रीन कैंडल फॉर्म होने का इंतजार करिए, रेड कैंडल है, रेड कैंडल है, यहाँ पे एंट्री मत कीजिए, यहाँ कहीं पे आए और कोई नीचे टच करके ऊपर ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, ठीक है, तो वहां पे आप एंट्री करें। मान लो जैसे 50% के आसपास इसने टच किया 1825 के आसपास में, ऊपर क्लोज दे दिया समथिंग, मान लो यहाँ पे क्लोज दे दिया 1900 के आसपास में, तो वहां पे आप डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल हो, तो आप वहां पे बाई इनिशिएट कर सकते हो। और फिर ये इसका टूटने का 1900 कितना है, 1994 जो भी होगा इसका जो भी आई होगा उसके टूटने का इंतजार करें, और अपना आपका टारगेट रहेगा 2110 समथिंग, और उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 2187, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी जैसे आपको दिखाने चाहें तो ये रिसेंटली इसमें देख लेते हैं, तो बहुत सारा देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। चलो ये वाला हम देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप प्रोजेक्ट करते हैं, मान लो डेली टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं। आपको रिसेंट में लग रहा होगा कि ये कहाँ से है, ये समथिंग यहाँ से है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे को आप मेंटेन कर लीजिएगा, और उसके बाद ये टॉप बनाया था, तो ओके ये वाला टॉप ले लेते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक, और 23 वाला है कि नहीं है, 23 वाला है, ओके ठीक है, ओके ये हमने हटा दिया, ठीक। अब जब हम इसकी बात करते हैं, मतलब इसको और यहाँ ये टॉप बनता और ये रेड कैंडल बना रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हम कहाँ तक का वेट करके देखते हैं। यहाँ पे 23.6 और 38.2, 50, 61, तो इस ट्रेंड का आप क्या करते, सबसे पहले तो सपोर्ट देखते हैं यहाँ पे 23.6 पे, अगर इसको ब्रेक कर दी इसने, वैसे यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाया नहीं है, हालांकि हैमर बनाया था बट ग्रीन कैंडल बनाया नहीं है, तो वहाँ पे आप एक ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं और 38.2 का इंतजार करते हैं। यहाँ पे 38.2 जो है कहाँ पे है, 1660 के आसपास में, लेकिन यहाँ पे आया नहीं, यहीं पे इसने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया। तो देखिए इस वाले में बेस्ट है, यहाँ आया 23.6 के आसपास में कंसोलिडेट किया, ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो ग्रीन कैंडल जैसे ही बनाया यहाँ पे, आपको पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है, आप यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि पोजिशन साइजिंग रखना है, ये फिर ये फिर ये तीन चार लेवल तो रहेगी, हाँ इसको भी तोड़ के नीचे आ गया तब आपको एग्जिट होना ही है, ठीक है, आपका रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट पोजिशन साइजिंग बिल्कुल रखिएगा, उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे कि इसका क्लोज क्या हुआ है, 1792 के आसपास, यहाँ पे आपको एंट्री बन जाता, और उसके बाद पहला टारगेट तो पता था, ये जो हाई था तो ये हाई जो भी है मतलब 1900 के आसपास का ही है, ठीक है, तो 1795 से मतलब ऑलमोस्ट 1800 से आपको 1900, तो 5% का गेन तो ये 2-3 दिन में ही मिल गया आपको, ठीक है, और उसके बाद भी रुकना नहीं है, ठीक है। ये जो रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, हम यहाँ से यहाँ बात कर रहे थे, अभी हमारा रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ गया, ये नीचे आया, ये इसने कैंडल ने ब्रेक किया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक ग्रीन ब्रेक किया, कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमारा टारगेट पुराने के हिसाब से अभी क्या है, उस पुराने के हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा 2137 और 2287, ठीक है, ये हमारा दो टारगेट है इस ट्रेंड के हिसाब से। तो हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस में अलग अलग जगह रिट्रेसमेंट पे आप अलग अलग प्रोजेक्शन इसका बना सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि जब इसने इसको ब्रेक कर दिया था, तो ये वाला लो माना और ये वाला हाई माना, उसके हिसाब से हम बात कर रहे थे। अभी पुराने वाले के हिसाब से देख रहे हैं तो हमारा अप ट्रेंड में है ही, और यहाँ पे ये 23.6 पे सपोर्ट लेके घुमा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यदि ये नीचे भी आता है, ठीक है, नीचे भी आता है तो आपको फिर से अगेन 23.6 आपको सपोर्ट ही रहेगा, फिर से जब इसको तोड़ेगा तो 38.2 वाला हमारा पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं कभी कभी ऐसे कुछ यूजफुल कंटेंट लाते रहूँ। वैसे तो यूट्यूब में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं दिल से बनाता हूँ और
बेवजह का मैं कंटेंट क्रिएट करना नहीं चाहता, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आई होप, तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा, और यदि आपको हेल्प हो तो इसको बैकवर्ड टेस्टिंग कीजिए, आप आने वाले समय में फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। मैंने एक दो स्टॉक पे रिकमेंड तो नहीं करता हूँ मैं, लेकिन सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए कि आप इसको लेवल को वॉच करें, देखें कि वाकई में थोड़ा बहुत काम करता है कि नहीं करता है। चार्ट के हिसाब से हमने हर एक टाइम फ्रेम में देख लिया काम करता है, तो आप बिल्कुल इसको वॉच कीजिए, देखिए और रिजल्ट क्या आता है देखिए, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही, फाइन, मिलते हैं। आप आज संडे है तो हैप्पी संडे, एंजॉय कीजिए, और कल से मार्केट को वॉच कीजिए, देखते हैं, ठीक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।